नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। तेज तर्रार माने जाने वाले सूबेदार थाना यातायात दिलीप तिवारी और उनका ड्राइवर अमित सिंह 10,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों लोकायुक्त पुलिस के हत्थे चढ़ गए। लोकायुक्त पुलिस ने दोनों को सिविल लाइन थाने के सामने मार्टन स्कूल तिराहे पर पकड़ा, जहां पर आए दिनों ये लूट खसोट किया करते थे। तेज तर्रार माने जाने वाले पुलिस अफसर सूबेदार थाना यातायात दिलीप तिवारी ने 24 मार्च को बेलेरो पिकअप में कूलर लोड करके सीधी मधौली जा रहे व्यक्ति को ढेकहा तिराहे पर चेकिंग के नाम पर रोका था, गाड़ी पकड़ ली थी। गाड़ी छोड़ने के एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। बातचीत के दौरान 10,500 रुपए में गाड़ी छोड़ने की बात तय हुई, लेकिन नवल किशोर रजक, जिनकी गाड़ी पकड़ी गई थी, उन्होंने इस बात की शिकायत लोकायुक्त में कर दी। नवल किशोर रजक पिता गोमती रजक, उम्र 35 वर्ष, आदर्श नगर बरा रीवा के रहने वाले थे, पेशे से कृषक हैं। इस बात की शिकायत मिलते ही लोकायुक्त पुलिस सक्रिय हो गई। लोकायुक्त पुलिस ने अपने हिसाब से पूरे मामले की तफ्तीश की। जांच में मामला सही पाए जाने पर ट्रैप की कार्रवाई 28 मार्च को तय की गई, जिसके चलते जब दिलीप और उनके चालक अमित सिंह यातायात की चेकिंग कर रहे थे, वो भी सिविल लाइन थाने के ठीक सामने मार्तन स्कूल तिराहे के पास, उसी दौरान लोकायुक्त की पुलिस वहां पर सादी वर्दी में मौजूद थी। जैसे ही पैसा इन्होंने अपने पास लिया, लोकायुक्त पुलिस ने इन दोनों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले को लेकर हमने शिकायतकर्ता नवल किशोर रजक से बात की, साथ ही हमने बात की लोकायुक्त एसपी से भी। आइए आपको सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर उन दोनों ने क्या कुछ बताया। इसमें रीवा के आदर्श नगर निवासी हैं नवल किशोर रजक, इनका एक बुलेरो पिकअप वाहन चलता है। 24 तारीख को शाम को करीब 8:30 बजे उसमें जो है जो उनका ट्रांसपोर्टेशन का काम है उसमें कूलर भरकर सीधी मजोली जाना था। रात में 8:30 बजे के करीब जो है उस गाड़ी को चेकिंग के लिए जो पुलिस की रूटीन चेकिंग होती है उसमें रोका गया था, और उसमें ड्राइवर की चेकिंग और बाकी सब गाड़ियों के कागजात की चेकिंग की गई थी। उसी कारण से उस गाड़ी को जो भी उसमें कमी पेशी पाई गई होगी, शराब पीकर वाहन चलाने का भी एक आरोप ड्राइवर लगाया, जो कि बाद में फरियादी का कहना है उसने शराब नहीं पी थी। उस गाड़ी को जो है 24 तारीख से पकड़ के आज दिनांक तक थाने में खड़ा किया हुआ। ट्रैफिक थाने के जो इंचार्ज हैं सूबेदार दिलीप तिवारी और एक उनका आरक्षक के साथ ही, फरियादी के अनुसार जो है उसमें इसको बुलाया गया दूसरे दिन सुबह। बुलाने के बाद उससे जो है 15,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई गाड़ी छोड़ने की। अब चूँकि उसमें अगर नियम की बात करें तो ऐसा है कि या तो पुलिस को चालान करके गाड़ी छोड़ दे, जो भी उसमें दंडात्मक कार्रवाई उसको होना चाहिए। सेकंड फेज है जो भी ट्रांसपोर्ट नियम है उसमें अपना न्यायालय में जो है चालान जमा करके बेच के और जो भी उस पर दंड बनता है आर्थिक दंड या जो भी होता है तो उस पर कार्रवाई हो जाना चाहिए। तो 4 दिन से गाड़ी खड़ी होने के बावजूद फरियादी का ऐसा भी कहना है कि चूँकि उसमें हमारा माल था, गाड़ी नहीं छोड़ी तो ये बाद में गया था खाली गाड़ी ले कर, तो उसमें भी जो है उसने माल भी नहीं छोड़ा, गाड़ी तो छोड़ी नहीं लेकिन जो उसमें कूलर वगैरह जो भरे हुए थे सामान वो भी उन्होंने वापस नहीं किया गया। तो वो 15,000 रुपये चूँकि नहीं थे देने की स्थिति में था, इसलिए फिर जो है उसने हमारे यहाँ शिकायत की थी, उसका हमने सत्यापन कराया। उस सत्यापन में क्लियर कट डिमांड पाई गई और आज जो है 15,000 की जो डिमांड थी उनकी, उसके एवज में जो 10,500 का सौदा तय हुआ था, तो वो 10,500 रुपये लेते हुए एक आरक्षक जो है और सूबेदार जो कि थाना प्रभारी भी है ट्रैफिक के रीवा के, उनको आज दोनों को रंगे हाथों रीवा लोकायुक्त द्वारा जो है पकड़ा गया। तो पहले भी कुछ रकम ले चुके हैं? नहीं, पहले कोई रकम नहीं।
बातचीत हुई थी। बातचीत के बाद चूँकि वो दे नहीं पाया था, फरियादी को परेशान था और उसका सामान भी लौटाया गया था, तो उसने हमारे यहाँ शिकायत की थी। तो तिवारी का नाम क्या था? तिवारी का नाम दिलीप तिवारी। आरक्षक हैं अमित सिंह, आरक्षक अमित सिंह और दिलीप तिवारी। थाने में, ट्रैफिक थाने में गई थी 24 तारीख की रात में, और सर मैं छुड़वाने के लिए गया था कि हमारी गाड़ी छोड़ दीजिए। उसमें 15,000 रुपये मांग रहे थे। फिर सर मेरी काफ़ी मिन्नतें करने के बाद दिलीप तिवारी जी से बात हुई, उन्होंने बोला कि 10,500 रुपये जमा कर दो, हमारी गाड़ी हम यहीं से छोड़ देंगे। पैसे कब आपने कहाँ पे दिए हैं? सर मैं कल भी गया था पर कल सर मिले नहीं थे, तो आज ट्रैफिक यहाँ पे सिविल लाइन थाना के सामने चेकिंग लगी हुई थी, तो वहीं पे मेरे को देना पड़ा। पैसा आपने आपसे किस बात के लिए पैसे मांगे गए? गाड़ी छोड़ने के लिए। क्या आरोप लगाए गए थे आपको? आरोप तो सर गाड़ी पकड़ी गई थी तो बोल रहा था कि ड्राइवर आपका दारू पिए हुए है। दारू पिए थे वो? नहीं सर, कोई दारू नहीं पिया हुआ था। कहाँ ले जा रहे थे आप सामान? सर ये रीवा से मछौली के लिए लोड किया हुआ था। कूलर जो गाड़ी में सामान रखा हुआ था, कूलर लोड है। ये कहाँ रीवा से मछौली ले जा रहे थे, क्या सामान था? कूलर था सर। ये कब की घटना है? ये 24 तारीख की शाम की घटना है। तो आपने इसकी विधिवत रसीद कटवाने की प्रयास किया था कि भाई अगर चलान हुआ तो चलान कर दीजिए? सर मैं कोशिश कर रहा था कि छूट जाए सस्ते में। सर ये बोल रहे थे कि 15,000 से 20,000 रुपये का चलान होगा कोर्ट से, तो मैंने बोला कि सर यहीं से छोड़ दीजिए, तो ये मान नहीं रहे थे सर। आपकी दुकान है? नहीं दुकान नहीं है सर, मैं सर किसानी करता हूँ। किसानी करते हैं? सामान मतलब आपकी गाड़ी है? जी सर मेरी गाड़ी है। आपका नाम क्या है? नवल किशोर रजक। पैसा किसके हाथ में लिए हैं? पैसा सर सूबेदार साहब ने अमित सिंह बघेल जी को दिलवाया था। पैसे की बात किससे हो गया? पैसे की बात सर अमित तिवारी सॉरी दिलीप तिवारी जी से। ताज़ातरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।